हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। अब से स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम क्या बोलते हैं माइनक्राफ्ट जावा तुम अपने मोबाइल पे कैसे चला सकते हो। सिंपल, प्ले स्टोर खोल देने का विदाउट टाइम वेस्टिंग के। तो यहाँ पे लिखना है तुमने प्रो जे माइनक्राफ्ट, तो तुम्हारा ये पहला ऐप आ जाएगा। ठीक है, इसको चुपचाप करके इंस्टॉल कर देने का। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होता है हम वेट करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद तुम्हें सीधे इसको ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे साइड पे तुम्हारे वो होंगे, क्या बोलते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, मेमोरी वगैरह, कितनी मेमोरी रखनी है। तो मैं आराम से रख रहा हूँ 4 के आसपास, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना कि कितनी देनी है तुम्हें। ठीक है, और क्या, बाकी कंट्रोल्स वगैरह सेम रहते हैं, उनको छेड़ना मत, वीडियो वगैरह भी सेम। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं मसला। एडिट करके यहाँ पे तुम्हें करना है एडिट। ठीक है, एडिट करके डिफ़ॉल्ट नेम में अपना डाल रहा हूँ, अपना नाम डाल रहा हूँ सकीत। ठीक है, वर्ज़न लेटेस्ट वाला 1.19.3। ठीक है, और रन जावा, इसको मैं तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, तो इन चीज़ों को मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, प्ले करने के बाद माइनक्राफ्ट सॉफ्टवेयर अकाउंट, या अगर तुम्हारे पास जावा वाला माइनक्राफ्ट है जिसने बाई किया हुआ, तो वो माइनक्राफ्ट अकाउंट ट्राई कर सकता है जिसमें जावा वाला होगा, या तुम लोकल अकाउंट करके अपना नाम डाल देने का। सिंपल, तो मैंने डबल कर दिया। ठीक है, और इसको प्ले करने का, सारी चीज़ें टेस्ट और क्या बोलते हैं वो होगी इंस्टॉल वगैरह, तो यहाँ पे हल्का सा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं। ऐसी तुम्हारी सारी चीज़ें डाउनलोड होगी तो उनको होने देना। ठीक है, जैसे डाउनलोड हो जाएगी तुम ऑटोमेटिकली क्या बोलते हो तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा माइनक्राफ्ट जावा के लिए। तो देखो डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने के बाद तुमसे सही तरीके से बात कर लो। गाइस, डाउनलोड हो चुकी है हमारी, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, द करंटली अमाउंट ऑफ फ्री रैम इज़ 993 इज़ लोअर देन अलाउ रैम 422 व्हेन मे बी लॉन्च द क्रिएशन। अगर कुछ भी अगर इससे थोड़ा नीचे हुआ तो तुम्हारी गेम क्रैश हो सकती है, ये तुम्हारा सिंपल यूआई आ जाएगा। इधर तो तुम्हें हल्का सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इधर हल्का सा टाइम लेता है लोड होने में। ठीक है, ये तुम्हारा लुक सही से आ गया, बस ये ध्यान रखना है तुम्हारा फ़ोन अच्छे से इसको हैंडल कर पाए, सही से हैंडल कर पाएगा तो सही से यूज़ हो जाएगा। GUI में थोड़ा बंद कर देता हूँ, थोड़ा सही तरीके से तुम्हें दिख जाए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो तुम्हें खाली वेट करना है। ठीक है, वेट करो, वेट वेट करो, वेट। लो आ गया माइनक्राफ्ट का जो होता है क्या बोलते हैं लोगो, सिंपल है, वेट करो, अब हो जाएगा थोड़ी देर में सारी चीज़ें एकदम सेट। ठीक है, लोड होने दो, होने दो, होने दो, लोड होने देने का। ठीक है, लो हमारा माइनक्राफ्ट लॉन्च हो चुका है, इजी पीजी। अब मल्टीप्लेयर खेलना है तुम्हें, सिंगल प्लेयर खेलना है वो तुम्हारे ऊपर है, बस मल्टीप्लेयर और सिंगल प्लेयर स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्रिपेयरिंग करेगा लोड होने के वगैरह सारा। मैं तुम्हें नॉर्मल में घुसने के देख ले दिखा देता हूँ। अगर तुमने ASMP खेलना है तो तुम्हें सिंपल मल्टीप्लेयर करके एड सर्वर ASMP का तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, मेरे पास डिस्कॉर्ड का लिंक है मेरी लगे से भी लाइव स्ट्रीम पे या वीडियो के लिंक में, चेक कर लेना, तुम डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन करके कर सकते हो। ठीक है, मैं वर्ल्ड ज्वाइन करके दिखा देता हूँ तुम्हें। लोडिंग में टाइम लगाएगा ये, ठीक है, लोडिंग में टाइम लगाता है, तुम्हें खाली वेट करना है, तो लोड होने के बाद कर लो। वर्ल्ड क्रिएट हो गया है, थोड़ी चीज़ें टाइम लगती है सर्वर क्या बोलते हैं इस ऐप में, काफ़ी स्लो चलता है, बात वही है, मगर तुम खेल सकते हो आराम से, बस लैग का थोड़ा मसला मेरे हिसाब से हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं, वैसे कोई सीन नहीं है।
हाँ लैग का मसला है थोड़ा, नहीं इतना नहीं दिख रहा, थोड़ा सा वेट कर लेना क्योंकि इसमें लोड होने में सारी चीज़ें टाइम लगती है, तो थोड़ा सा वेट करके तुम चेक कर लेना कि वो मक्खन चल रही है भाई। रेंडरिंग तो मैं अपनी थोड़ी सी इंप्रेस कर रहा हूँ क्योंकि रेंडरिंग मैंने काम किया हुआ है, इसके ऑप्शंस में जाकर रेंडरिंग भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे जीयूआई हट गया, ए अटैक, ये प्लेस, इन्वेंट्री, ये आ गया पूरी इन्वेंट्री। ठीक है, रेंडरिंग।